वेलकम एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। सो हेयर इज़ मन अदर वीडियो फॉर ऑल ऑफ यू। तो आज मैं आपको क्लिनिकल नॉलेज से रिलेटेड ये वीडियो पोस्ट कर रही हूँ। तो इसमें हमारे पास कुछ कंटेंट है जो हम यूजुअली ऑब्स गाइनी में देखने को मिलते हैं, तो वो क्या क्या होते हैं मैं आपको उनके बारे में बताऊँगी। तो ये आइटम्स हैं आज हमारे पास, दिस इज़ कॉपर टी, ये भी कॉपर टी है, दिस इज़ निरोध कॉन्डम, ये है लेवेनिस्टरल टैबलेट्स इजिपिल, और ये है सेकेंड टैबलेट माला एन। सो अब हम इनके बारे में एक एक करके जानेंगे कि बेसिकली चीज़ें क्या होती है, आपको इसे कैसे लेना होता है या इनका क्या यूज़ रहता है। तो पहले हम देखेंगे अबाउट माला एन, जो कुछ ऐसा दिखता है टैबलेट, ये इसका कवर रहता है, ये गवर्नमेंट सप्लाई में आते हैं वैसे ऐसे। आप इसे ओपन करेंगे ना तो आपको एक ये स्लिप मिलेगी, ठीक है, और ये टैबलेट्स मिलेंगी, ठीक है। तो माला एन जो है बेसिकली एक कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं, दो हार्मोन्स होते हैं एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। तो ये क्या काम करता है, बेसिकली हम इसे प्रेगनेंसी अवॉइड करने के लिए देते हैं, जो ये प्रेगनेंसी अवॉइड करता है। इसके थ्री मैकेनिज्म होते हैं, पहला ये ओव्यूलेशन सप्रेस करता है, ठीक है, दूसरा ये जो है फर्टिलाइजेशन प्रिवेंट करता है, एंड थर्ड ये है कि यूटरस को अनफेवरेबल बनाता है, ताकि जो अगर फर्टिलाइजेशन अगर हो तो वो इम्प्लांट ना हो। तो जो ये माला इनकी पिल्स होती है, ये लेनी होती है हमें 28 डेज तक कॉन्टीन्यूसली। तो ये 28 डेज की पिल होती है, और इसमें इसका लेने का तरीका होता है, और इसमें जिस टाइम पे हम डोज लेते हैं उसे उसी टाइम पे लेना होता है, इसे डोज मिस नहीं करनी होती है, टाइम अल्टरेशन नहीं करना होता है। रहती है मेडिसिन, अब हम इसे फ्लिप करके इसके देखिए, ये रहता है इसके स्टार्टिंग डेट, स्टार्टिंग से आपको इसमें मेंशन रहता है कि आपको कौन सी टैबलेट कब लेनी है उस हिसाब से। तो जब आप ये टैबलेट लेना एंड करते हैं तो उसके 1 या 2 डेज़ में या जस्ट उस दिन भी पीरियड्स आ जाते हैं, बट हाँ ये कॉन्ट्रासेप्टिव के तौर पे काम करता है। तो माला एन जो होता है वो एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव के अलावा बहुत चीज़ों में वर्क करता है, जैसे अगर जो इरेगुलरिटी होती है पीरियड्स की, PCOD, PCOS की जो कंडीशन है जो आजकल काफ़ी कॉमन है, उसमें भी माला एन का यूज़ किया जाता है, इसे रेगुलरली पिल ली जाती है। तो ये जैसे पिल की एंडिंग होगी जिस डे पे, मोस्टली 28 डेज़ की ये पिल होती है, तो उस पिल की एंडिंग डेट के बाद 1 या 2 डेज़ में या ऑन द सिमिलर डे पीरियड्स भी आ सकते हैं। सेकेंड यूज़ ये रहता है जो प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम्स रहते हैं, ये उससे भी रिलीफ करवाता है। ओवेरियन और यूटरस कैंसर होता है, उसका रिस्क भी ये प्रिवेंट करता है, यूटरस फिब्रॉइड्स हो गया, आपके ओवेरियन सिस्ट हो गए, जो मैंने बताया था PCOD वगैरह, उसमें भी मेडिसिन ली जाती है और ये काफ़ी इफेक्टिव होती है। दिस वॉज ऑल अबाउट माला एन। तो मैं आपको क्विक रिकैप देती हूँ कि ये मेडिसिन होती है 28 डेज़ की होती है, फ्रॉम द 5th डे ऑफ द पीरियड आपको ये लेनी होती है, और सेम डे सेम टाइम पे आपको ये लेनी होती है, टाइम इसका अल्टरेट नहीं करना होता है। कॉन्ट्रासेप्टिव का काम करती है, सेकेंड रेगुलर मेंस्ट्रुएशन का अगर इरेगुलरिटीज़ आ रही है तो उसको ट्रीट करने में हेल्प करती है, कैंसर्स प्रिवेंट करती है, ठीक है, और ब्रेस्ट कैंसर्स वगैरह के रिस्क को भी रिड्यूस करती है, प्री मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स जो रहते हैं उनको भी ईज करता है माला एन। और नेक्स्ट आइटम वी आर हैविंग अ कॉन्डम और निरोध, जो ये गवर्नमेंट सप्लाई में एज अ निरोध के नाम से ये प्रोवाइड होता है। तो इसका ये जो होता है फैमिली प्लानिंग के लिए दिया जाता है, कपल काउंसलिंग के टाइम पे दिया जाता है। तो इसका मेन जो एम रहता है वो ये रहता है अनवांटेड प्रेगनेंसीज़ अवॉइड करनी होती है इसमें, ठीक है, और STDs वगैरह से भी प्रिवेंट करता है। रबर या फिर लेटेक्स का ये बना हुआ होता है और ये काफ़ी इफेक्टिव होता है, स्पर्म को ओवम से मीट करने में एज अ बैरियर का वर्क करता है और काफ़ी इफेक्टिव बैरियर रहता है। बट इसमें कंडीशन ये आती है, कभी कभी ऐसा होता है कि ये टीयर अप हो जाता है, तो उस टाइम पे इसे चेंज करना ज़रूरी है, अदरवाइज़ क्या कहते हैं जो सीमेन रहता है उसका वो फीमेल के कॉन्टेक्ट में आ जाएगा। तो बेसिकली ये इसीलिए दिया जाता है कॉन्डम। वॉज अबाउट निरोध, तो निरोध कॉमनली शॉप्स वगैरह पे अवेलेबल रहता है, तो यूज़ इट, ताकि आपको अनवांटेड प्रेगनेंसी से भी बचाता है, ठीक है, ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, कॉस्ट इफेक्टिव है। सो नेक्स्ट आइटम वी आर हैविंग इज़ ईजी पिल, और इसको मार्केट नेम में अगर हम देखेंगे ये कॉमनली मिलता है अनवांटेड 72 के नेम से, अगर आप इसे प्राइवेटली लेंगे। तो इसका मेन वर्क रहता है, ये इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव का वर्क करता है, लाइक इन एनी असॉल्ट का केस होता है या फिर कभी अनप्रोटेक्टेड सेक्स रहता है, तो उस टाइम पे इस मेडिसिन को विद इन 72 आवर्स लिया जाता है, और ये 99% इफेक्टिव होता है अगर आप इसे 24 आवर्स विदिन ले लेते हैं। तो ये सिंगल पिल आता है इसके पैकेट में, मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ, ये रहता है इसमें पिल, पिल के साथ आपको ये भी मिलता है कि आप इसे कब यूज़ कर सकते हैं कब यूज़ नहीं कर सकते। सो ये जो मेडिसिन रहती है ये तभी मतलब एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव आप इसे रेगुलरली यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि साइड इफेक्ट ऑफ कॉस सबके होते हैं, तो एज एन इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव ये कॉमनली यूज़ होता है। इसका एक मिथ रहता है कि ये अबॉर्शन पिल के नाम से जानी जाती है, सो इट इज़ नॉट एन अबॉर्शन पिल, क्योंकि इसे आप जस्ट आफ्टर द इंटरकोर्स लेते हैं, तो इससे कोई अबॉर्शन नहीं होता, क्योंकि उस टाइम पर इसका काम यही रहता है कि ओव्यूलेशन सप्रेस करता है,
या फिर फर्टिलाइजेशन को रिड्यूस करेगा, या उसके चांसेस कम करेगा, या आपकी जो यूटरस की वॉल है एंडोमेट्रियम उसको अनफेवरेबल बनाएगा. तो इट इज़ नॉट एन एबॉर्शन पिल. द नेक्स्ट आइटम वी आर हैविंग इज कॉपर टी, दैट इज़ कॉपर टी 380A, इसका नेम है. ठीक है, कॉपर टी इनसे डिफ्रेंशिएट होता है क्योंकि एक और आती है कॉपर टी 375, उसके बारे में अभी मैं आपको बताऊँगी. तो ये है 380A. तो बेसिकली ये जो होती है ये आपकी इंटर यूटराइन डिवाइस होता है और इसके आर्म्स जो रहते हैं वो फ्लेक्सिबल रहते हैं. बना रहता है आपका हाई डेंसिटी पॉलीथाइलिन और इथाइलिन विनाइल एसिटेट और कोपॉलीमर एंड बैरियम सल्फेट से ये बना हुआ रहता है. तो इसका मेन वर्क जो होता है ये कॉपर आयंस रिलीज़ करता है क्योंकि इसके नाम में ही कॉपर है. तो कॉपर आयंस क्या करते हैं, जो सेमेन होता है तो उसमें जो स्पर्म्स होते हैं उनकी मोर्टिलिटी को डिक्रीज़ करता है. ठीक है, और वेजाइना का जो पीएच होता है, यूट्रस का जो पीएच रहता है वेजाइना का, वो रहता है अल्कलाइन. और जो सीमेन का मीडियम रहता है वो एसिडिक रहता है. तो अल्कलाइन मीडियम क्या करता है, सीमेन को सर्वाइवल के चांसेस प्रोवाइड करता है. तो जो कॉपर होता है, कॉपर हाईली एसिडिक बना देता है मीडियम को ताकि जो स्पर्म्स रहते हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाते. सो इससे क्या चांसेस रहते हैं, प्रेगनेंसी अवॉइड रहते हैं. बट ये STDs को प्रिवेंट नहीं करता है, ये सिर्फ आपके एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ होता है कि अगर आप पिल्स नहीं ले रहे, मेडिसिन नहीं ले रहे, तो जिस कॉपर टी इंसर्ट करते हैं हम, कॉपर आयंस रिलीज होते रहते हैं तो स्पर्म मोटिलिटी, स्पर्मिसाइड का काम करता है. तो ये मोटिलिटी डिक्रीज़ होती है, उनकी डेथ हो जाती है. तो स्पर्म जब पहुँचेगा नहीं ओवम तक तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा. तो जो कॉपर टी 380A होता है ये आपको 10 ईयर्स के बाद रिप्लेस करना होता है. इसका जो टाइमिंग रहता है कि आप इसे अपनी यूट्रस में 10 ईयर्स तक का रख सकते हैं और ये फंक्शनल रहता है तब तक. बाकी इसके साथ साथ एबनॉर्मलिटीज़ भी आती है, किसी को हाई ब्लीडिंग होती है, किसी को पेल्विक पेन होता है, एब्डोमिनल पेन होता है, ब्लीडिंग्स में चेंजेस आते हैं. तो ये जब स्टार्टिंग में आते हैं तो आपको स्टार्टिंग में रिव्यू करवाने होते हैं डॉक्टर से, आपको कंसल्टेशन लेना होता है. बट लेटर ऑन इसके काफ़ी चांसेस होते हैं. तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा रहता है कि ये जो कॉपर टी है ये इसके फ्लेक्सिबल आर्म्स रहते हैं ये दोनों. ठीक है, ये कॉपर है और ये जो है इसका बाहर का डिवाइस है जिससे आप इंसर्ट करते हो और इसमें ये प्रोवाइडेड रहता है आपको. ठीक है, ये वाली जो आइटम रहता है सपोर्ट आर्म, ये आपकी इसमें इंसर्ट होता है. उसके बाद ये यूटरस में जाकर के इंसर्ट होता है. तो ये जो यूटरस का फंडस होता है, जो ये दो फेलोपियन ट्यूब को जाते हैं, ये वो दो आर्म्स हैं. तो ये जो फंडस पे जाकर के ये अटैच हो जाता है और हम इसे बाकी का पोर्शन सारा का सारा बाहर आ जाता है. ये सिर्फ इतना सा पोर्शन जो रहता है, इतना सा जो पोर्शन रहता है, सिर्फ ये चीज़ यूटरस में इंसर्टेड रहती है. और इसमें देखिए कॉपर लगा हुआ है और इसमें भी कॉपर लगा हुआ है. द नेक्स्ट थिंग वी आर हैविंग इज कॉपर टी 375. ठीक है, तो कॉपर टी 375 भी सेम रहता है. इसकी एफिशिएंसी रहती है 5 ईयर्स और कॉपर टी 380 की एफिशिएंसी रहती है 10 ईयर्स. यानी कि आपको इसे 5 ईयर के बाद रिप्लेस करना होता है. ठीक है, और इसका वर्क भी बिल्कुल सेम है. ये भी कोपॉलीमर से बना है, इथाइलिन से बना है, विनाइल एसिटेट से बना है और बैरियम सल्फेट से बना है. ठीक है, तो इसका काम भी रहता है, ये कॉपर आयन रिलीज़ करता है, वर्क एज अ स्पर्मिसाइड. बट इसकी जो एफिशिएंसी होती है, एफिशिएंसी वाइज ये लोग चेंज हो जाते हैं क्योंकि वो 10 ईयर्स तक आप रख सकते हैं, इसे आपको 5 ईयर्स में रिप्लेस करना होता है. और इसका स्ट्रक्चर भी जो है वो वेरी करता है. शो यू द स्ट्रक्चर. तो ये इसका स्ट्रक्चर रहता है, यहाँ पर जो स्ट्रक्चर रहता है ये रिंग रहती है. ये देखिए, ये कॉपर आयन्स हैं और ये जस्ट एक आउटर बॉडी है जिससे आप इंसर्ट करते हैं. तो ये जाता है यहाँ पर, ये वाला जो पोर्शन है ये जाकर के फंडस पे अटैच होता है और ये बीच में यूट्रस में ये चीज़ रहती है. तो ये आयंस रिलीज़ करती है. अब देखिए इसमें और उसमें एक डिफरेंस है. इन दोनों में देखिए कॉपर आयन का डिफरेंस है. इसमें देखिए कॉपर आयन का कंटेंट कम है, इसमें कॉपर आयन का कंटेंट ज़्यादा है. क्यों? क्योंकि इनकी एफिशिएंसी वेरी करती है. इसकी एफिशिएंसी जस्ट 5 ईयर्स है तो ये उस हिसाब से बनाया गया है. इसकी एफिशिएंसी 10 ईयर्स है तो ये उस हिसाब से बनाया गया. इसमें एक्स्ट्रा कॉपर आयन्स हैं. ठीक है, बाकी इसमें यही चीज़ कॉमन है कि स्पर्मिसाइड की तरह एक्ट करता है. बाकी इसमें साइड इफ़ेक्ट्स ये देखने को मिलता है, एब्डोमिनल पेन होता है, मेंस्ट्रुअल एबनॉर्मलिटीज़ आ जाती हैं. ठीक है, बाकी ये STD से प्रिवेंट नहीं करता है कॉपर टी. ये सिर्फ अनवांटेड प्रेगनेंसीज़ को रिड्यूस करने के लिए यूज़ होता है. बाकी ये डिवाइस काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है, इसमें कोई इतने ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट नहीं रहते हैं. ये प्लस पॉइंट रहता है इसका. बाकी साइड इफ़ेक्ट इतना है कि STD प्रिवेंट नहीं करेगा. तो यूज़ करना चाहिए क्योंकि मेडिसिन जो होती हैं हर हमेशा कोई यूज़ नहीं कर सकता है. और बेटर कि उन्हें ज़्यादा यूज़ किया भी ना जाए क्योंकि वो हार्मोनल अल्टरेशन कर देते हैं. तो सो दैट कि जो बॉडी रहती है उस हिसाब से अडेप्टेड रहती है कि अगर वो यूज़ में आएंगे तो बॉडी काम करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी. होप यू ऑल फाउंड द वीडियो यूजफुल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल. थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग.